पार्लर जैसा हेयर स्टाइल घर पर रहिए और नो टेंशन, जब शादी वगैरह या फिर कुछ भी फंक्शन हुआ तो फिर ये हेयर स्टाइल ले एकदम परफेक्ट। हेलो टी फैम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सामने है हमारा बंगाली का सबसे फेवरेट और बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा, तो उसी के लिए हम लोग तैयार होने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक दुर्गा स्पेशल हेयर स्टाइल दिखाने वाली हूँ। तो एक सुंदर सा हेयर बन बनाने के लिए आपको चाहिए हेयर। क्यों चौक गए ना? अरे भाई, ये सब मेरी स्पेशलिटी है कि मैं तो खुद पागल हुई और दूसरों को भी पागल करने की जिम्मा मैंने उठा कर रखा है। तो चलो अब इधर उधर की बातें छोड़ो और आ जाते हैं लाइन पे। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं सोच रही थी कि पहले मैं पफ करूँ, लेकिन पफ करने के बाद मैंने देखा कि उनके चेहरे से पफ एकदम मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा रहने तो पफ, पहले मैं उनके फ्रंट के बालों को और बैक के बालों को भी थोड़ा सा क्रिम कर लेती हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा सा फ्लफी होगा हेयर, तो देखने में भी और अच्छा लगेगा। तो बस कर रही थी मैं, वैसे उनके बाल पहले से ही कर ली थे, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग जिसके बालों में ये बन बनाने वाले हो ऐसे हेयर स्टाइल करके, तो आप लोग एक काम करना, वो बड़ा वाला लेना क्रिम पर, इससे क्रिम और भी अच्छा होगा। तो ये देखो मैंने पफ किया ही था, लेकिन मैंने देखा कि एकदम अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने क्या किया, मैंने पफ छोड़ दिया और जैसे है वैसे ही मैं कर लूँगी। हम गर्ल्स की ना ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि हेयर स्टाइल कैसे करूँ ये समझ में नहीं आता। तो मैं भी उनके बालों से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि अगर ऐसे घुसाऊँगी तो फिर कैसा लगेगा, अगर थोड़ा सा पफ करूँगी तो कैसा लगेगा, लेकिन मैंने लास्टली ये देखा कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट ऐसे ही उनके बालों को रख लिया। और अभी आते हैं लाइन पे। उसके लिए मतलब एक सुंदर सा बन बनाने के लिए कुछ नहीं, बस एक चोटी बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोग मोटा रबर लेना, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का ही लेना, उससे अच्छा होगा, तो नहीं दिखेगा। अगर कलरिंग वगैरह हो गया ना गर्डर, तो फिर दिखाई भी नहीं सकता है। तो आप लोग इसे डोनट लेना, बड़ा वाला डोनट, और उसके बाद उसके जो एक होल होगा उस होल के अंदर से बाल को निकाल के फिर उसको थोड़ा सा कोम करके आपको उस डोनट के ऊपर एकदम स्प्रेड कर देना है। आप लोग देखो कि मैं कैसे करती हूँ। तो देखो मैं इसको, वैसे उनके जो बाल है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतले थे, ठीक है, तो जब उनका फाइनल रिजल्ट आया ना तो वो एकदम शॉक्ड हो गई, वो मुझे बोल रही थी कि कैसे किया तुमने, इतने से बाल है मेरे और इतना सारा। तो मैंने बोला नहीं आंटी, हो गया, बस ये भी एक ट्रिक ही है। तो अभी देखो मैं कैसे उनके बालों को डोनट के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ एकदम कोम कर करके। और अभी मैं क्या करूँगी, मेरे हाथ में और एक ब्लैक कलर का गर्डर है, तो उसको मैं इसके ऊपर लगा लूँगी, तो ये एक बन का शेप बन जाएगा एकदम, इसलिए इसको डोनट बन कहते हैं। तो ये देखो मैंने लगा लिया, हाँ, और ये देखो कितना बड़ा, मतलब कैमरे में तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी जैसे कि उनके बाल बहुत ही ज़्यादा कम है और छोटे भी है, पतले भी है, तो मुझे ज़्यादा क्लिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, और थोड़ा बहुत जो रह गया था उसको मैंने थोड़ा सा एक दो क्लिप का ऐसे पिनअप कर लिया, तो फिर वो कवर हो गया, मुझको ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। तो बस अब बन को डेकोरेट करने की बारी। तो डेकोरेशन करने के लिए भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को हैक दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने कुछ दिन पहले ये गुलाब के फूल लाए थे एक वीडियो करने के लिए, मतलब हेयर स्टाइल वीडियो, लेकिन इसको लाने के बाद ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया मैम का। मैम ने बोला कि कल से तुम लोगों के इंटरनल स्टार्ट हो रहे हैं। भाई मैं क्या करूँ, इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, मैंने तो ये फ्रिज में घुसा कर रख दिया, और जब 3-4 दिन के बाद असाइनमेंट वगैरह और एग्ज़ाम दे के निकाला तब देखा कि पूरा का पूरा मुरझा गया था। अब मेरा तो मूड एकदम ऑफ हो गया कि हेयर स्टाइल के लिए लाई थी, देखो अब हेयर स्टाइल नहीं हो रहा। फिर मैंने थोड़ा सा तिक्रम लगाया और पूरे के पूरे फ्लावर के पेटल्स को अलग करके मैंने रेड कलर का धागा लिया है, और सुई धागे से उसको मैं एकदम माला की तरह बना लूँगी, और आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग ताज़ा गुलाब से भी करोगे ना तो शायद और भी अच्छा बन के आएगा। तो गुलाब चाहिए होगा ज़्यादा, तो ऐसे भी हो सकता है। तो मान जी को मैं बोल रही थी गले में लगा लूँ तो ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी, उनके बन को डेकोरेट कर लूँगी। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं नीचे लगा लूँ, लेकिन देखा कि नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो ऊपर में ही लगा लिया। और देखो आप लोग कितना कम था उनके सिर में बाल, और कितना बड़ा
बन बन के रेडी हो गया एकदम। पता है टी फैम्स, ये बन देखने के बाद आंटी इतनी ज़्यादा खुश हो गई, वो मुझे बोल रही थी कि अब इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा पार्लर में जाके अगर शादी वगैरह में। ये बात आंटी ने सच कही, इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं ना हेयर स्टाइल बनाने के लिए, क्या ही बताए, और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे चल रही पढ़ाई लिखाई, मैंने उसको बोल दिया कि तुम ये मुझे करके दो और मैं यहाँ पे बैठ बैठ के हवा खा रही हूँ और वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। तो फैम आज के लिए टाटा।